जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गुफ्तगू के लिए वक्त भी दिया और गुफ्तगू का इंतज़ार भी किया। मुझे कभी ये दावा नहीं रहा कि मैं कोई इक्तिसादी माहिर हूँ और जो बजट की रूह है मैं उसको उस पर बहस करते उसका हक अदा कर सकूँगा। यकीनन ऐवान में ऐसे फाजिल अराकीन मौजूद हैं जो तकनीकी बुनियादों पर बजट पर बहस भी कर सकते हैं, आदाद व शुमार पर बात भी कर सकते हैं। मैं उनके सियासी पहलुओं को ज़रा उजागर करना चाहूँगा कि 1988 से मैं इस ऐवान में कितने बजट सुन चुका हूँ, कितने बजट मेरे होते हुए पास हुए हैं और हर बजट पेश करने वाली हुकूमत उसने दावा किया है कि ये अवाम दोस्त भी है और मुल्क की तरक्की की राह पर ये बजट गामजन करेगा मुल्क को। इस तमाम दावों के बावजूद आज 75 साल के बाद माशी तौर पर मुल्क कहाँ खड़ा है इसको जेर बहस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। शीशे की तरह नज़र आता है कि हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं। और आज जो इस बजट में आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है टैक्स लगाने के ऊपर, तो जनाब स्पीकर आम लोगों में जो बात डिस्कस की जा रही है ज़्यादातर उसका ताल्लुक टैक्सेस के साथ है। हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफ़ान उससे रोका नहीं जा सकता। बुनियादी बात यह है कि हम जिस चीज़ का डिमांड कौम से करते हैं कि आप टैक्स दें ताकि मुल्क का ख़जाना मजबूत हो, मुल्क का इक्तिसाद मजबूत हो, जब हुक्मरान इस किस्म का डिमांड कौम से करते हैं तो कौम के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? इसके बदले में कौम आपसे दो चीजें मांगती हैं, एक अमन, जान माल और इज्जत व आबरू का तहफ्फुज़, अपने इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ और दूसरा माशी खुशहाली। आम आदमी को ये इत्मीनान हो कि मेरे बच्चों के लिए अगले हफ्ते और महीने तक घर में खुराक मौजूद है, उसका इंतजाम हो सकता है। लेकिन क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है, कारोबार खत्म हो चुके हैं। और मैं तो देखता हूं हमने ऑपरेशंस किए, लोगों को कहा आप घर बार छोड़ दें, स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक तमाम इलाकों को खाली कर दिया गया, अवाम ने अपने मुल्क के अंदर हिजरत की,
हमारे वो कबायली ख्वातीन जो अपने खास माहौल में और खास कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें आपने सहराओं में जाकर बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया, उसके चादर को तुमने तार तार किया, और अभी मेरे पास वफूद आए हैं, अभी मेरे पास वफूद आए हैं। मसूद कबीले का वफद आया कि पिछले साल हमारे साथ एक मकान अगर मुकम्मल तबाह है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है तो 1,60,000 रुपए, और वो भी लोगों को पैसे नहीं दिए गए, उसका टोकन दिया गया। वो टोकन अभी तक जेबों में लिए फिर रहे हैं, एक शख्स को अदायगी नहीं हो रही। आप बताएं, 4 लाख एक मकान बनाने के लिए, क्या 4 लाख पर आपके घर का गुसलखाना भी बन सकता है? और आप उनको कहना है कि पूरा घर बनाना है, 1,60,000 पे आपने एक 2 कमरे बनाने हैं जो गिर गए थे, क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? आज चमन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 9 महीने से लोग बैठे हैं, दर बदर बैठे हुए हैं। आप वो शरायत उनके ऊपर लगा रहे हैं कि जो शरायत सरहद पर बैठे हुए लोगों के ऊपर दुनिया में नहीं लगाए जाते। पूरी दुनिया में सरहद पर रहने वालों को कुछ खुसूसी मराहत मिलती हैं, और वो भी वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है, पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं। क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको ड्यूरेन लाइन कहता है? क्या ये किसी समझौते की बुनियाद पर हुआ था कि एक ही आदमी का घर, उसका सहन पाकिस्तान में है, कमरे अफगानिस्तान में है, एक ही गांव की मस्जिद, उसका मेहराब अफगानिस्तान में है और उसके मुक्तदी जो है वो पाकिस्तान में खड़े होते हैं? चमन में जाएं, कितने लोग हैं कि जिनके घर पाकिस्तान में है और जायदादें अफगानिस्तान में है, जमीनें वहां काश करते हैं, वहां से माल आते हैं, अपना कमाया हुआ घर में लाते हैं। आज वहां पर आप क्या रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, मुतबादल कोई उनके पास आपका तजवीज नहीं है कि आप उसको क्या रोजगार दे रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि घरों के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदार फोरम पर बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर हमारी माओ बहनों ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, बालियां बेच दी हैं, और वो अपने रोजगार की फिक्र में हैं। वो खत्म हो गए पैसे, अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो बेचने में मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारे। और रियासत इस हद तक शकीउल कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया, और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरेंट लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदरें लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरोत के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं, और जब आपसे कोई इख्तलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं।
दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहां आप हजार टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने उबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग इतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बरसगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था तो बरसगीर का बासी टैक्स चोरी करता था, फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर, और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी। मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारा माल लाकर ला कर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, ये हिंदुस्तान की है, ये बरसगीर की है। उसके बावजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत उनका लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत ताईद दोस्ती सब हवाले दिए, उन्होंने भी सब वही हवाले दिए। एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में। जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए ताकि आज बहुत लंबा दिन है, रात को 11-12 बजेंगे। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है, इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, फख्र से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है।
किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता है ना वहाँ से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फख्र से कहता है मैंने बाड़ उखाड़ के पहन लिया। अब पता नहीं वो हुब्बुल वतनी है या ये हुब्बुल वतनी, वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 नहीं बल्कि 25-30,000 लोग यहां से अफगानिस्तान गए और वहां से 40-50,000 इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहां, मुझे माफ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए। और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही, मगरब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आप गश्त बाहर नहीं जाना। यह है आपके रिट जी, ठीक है। कहाँ खड़े हैं हम लोग, तो फिक्रमंदी की बात है हजरत जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। लेकिन मैं हर चंद कह नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, मैं कम अज़ कम तज़ाद का शिकार नहीं हूँ, मैं फिक्री यकसुई का अलम्बरदार होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हांकते रहेंगे, पाक PWD को आप ख़त्म कर रहे हैं, हज़ारों मुलाजमीन को आप बेरोज़गार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी आप ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपस में मशवरा नहीं है, उनकी भी कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं, बाहर आप कुछ बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बयान कुछ आ रहा है उसके बारे में। ये चीज़ें सीधी करनी होंगी, इस पर मुशावरत करनी होगी, एक सुई पैदा करनी होगी। बहुत हम पिट चुके हैं, एक ज़माना था मेरे घर के, मेरे गांव के करीब से भी ये नहीं गुजरे थे, आज मेरे गली की दीवार के साथ गुजर रहे हैं और वहाँ खड़े होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, रियासत ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है? क्या हम एक शहरी की हैसियत से रियासत पर कोई हक नहीं रखते? तो इस सारी सूरत हाल में देखें, आपकी जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुके है। जब आप इलेक्शन में धन दिया करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पर धन दिया करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप एतवाद नहीं करेगी। जी शुक्रिया मौलाना साहब, मेहरबानी, माइक खोले को बनाए जी, मुशावरत के अमल को वसी करें। ठीक, आप पर जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेनी चाहिए थी जिम्मेदारी, में मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसको। जी जी शुक्रिया मौलाना साहब, वो किसी ने कहा ना दूसरे हजरत साहब कि पंगा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा लेकर पता चलता है। हजरत साहब जी, हजरत साहब, तो मैं बहुत मेहरबानी, ये कुछ गुजारिशात थी जी, शुक्रिया, कुछ रह भी गई, लेकिन ये है कि ज़रा इन लोगों पर रहम कीजिए। तफ्तान की सूरत हाल भी यही बनती जा रही है, वहाँ पर भी इंतहाई जो मुल्क के मफाद में सब कुछ हो रहा है उसको रास्ते पर रोके जा रहा है। बहुत मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैंने अगर दखल दरमा को लहद किया है और आपके नज्म नस्क को मुतासर किया है, उस पर आपसे मज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन बहरहाल दर्द दिल था जो आपके सामने रखा है और पूरे कौम के सामने रखा है, और इंशाल्लाह ये दर्द दिल का सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। द हाउस इज एडजर्न टू मीट एट 2:10 पे हम फिर से शुरू करेंगे।